Hello, दोस्तों ने कमला मरहबा अस्सलाम वालेकुम. दिस इज योर सलीम खान. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके ब्लॉग्स. आई होप आपको कल का वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा. आज के वीडियो में कल वाली मस्ती नहीं है, कल वाला मजाक नहीं है, कल वाली हंसी नहीं है. आज का वीडियो बहुत ही सरल सिंपल है. यहीं पर बैठे बैठे बना रहा हूं, मैं हिलूंगा भी नहीं, बस यहां पर एक एंगल एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा. आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरी पास्ट लाइफ एज एन एक्टर एंड जो हमने कल आपको चैलेंज दिया था उसके जो विनर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बस ये दो बातें हैं आज के ब्लॉग में. अगर आपको आगे तक वीडियो देखना है तो यही चीज मिलेगी, अगर नहीं तो आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आप कहीं जाओगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको देखना ही पड़ेगा आज का ब्लॉग. फंस चुके हो आप लोग अभी. जो लोग नए हैं आज के ब्लॉग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सी अपनी पास्ट की लाइफ, ताकि आपको आज की स्टोरी और आगे की स्टोरी कनेक्ट करे. मैं जब स्कूल में था तब मुझे क्रिकेटर बनना था, मतलब मैं क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहता था, बट ड्यू टू एन इंजरी मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया. और उस वक्त मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी, मेरे मॉम डैड दोनों जॉब करते थे और हमारा मुंबई में खुद का घर भी नहीं था. तो जब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको हम सुधारेंगे. मैंने एक डायरी में लिखा कि मुझे क्या चाहिए. हमारे लिए मुझे चाहिए एक मुंबई में खुद का घर, दूसरा घर वालों के लिए गाड़ी, और अपुन के लिए YZF यामाहा R1. तो ये मैंने टारगेट लिखा अपने स्कूल के टाइम. और कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, तो मेरी जो चाहत थी ना वो बहुत ज्यादा मजबूत थी और मुझे राह मिलते गए. तो उसके बाद धीरे 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 करके मैंने काम जॉब करते करते फिर बिजनेस, और 22 साल की उम्र में अपुन ने अपना खुद का घर मुंबई में खरीद लिया, अपुन ने अपना गाड़ी भी खरीद लिया, मेरा प्यारी पोलो, और अपुन ने अपना यामाहा R1 भी खरीद. तो जिंदगी में जो चीज मैंने चाही थी वो तो मुझे मिल गई. उसके बाद लाइफ में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, करना क्या है, मतलब पैसे भी आ गए, सब कुछ सेटल हो गया, अब समझ भी नहीं आ रहा था करना क्या है. क्रिकेट के बाद जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी वो था बॉलीवुड मूवीज. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना करियर एज एन एक्टर बनाया जाए. तो हमारी लाइफ का एक फेज था जब हम क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद बिजनेस करते थे, उसके बाद एक्टिंग पे आए, और उसके बाद व्लॉगिंग यूट्यूब. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वो जो एक्टिंग वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैरेक्टर बिल्ड करते थे, कैसे एक्टिंग के प्रोसेस होते थे. जो लोग एक्टर हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे, जो लोग नहीं हैं वैसे भी कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, इधर ही. एक्टिंग करियर बनाने के लिए एक्टिंग स्कूल गया, वहां पर मैंने एक साल थिएटर सीखा, और उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री में काम किया, एड्स में भी आया, कुछ शॉर्ट फिल्म्स किए. तीन ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने मेरे को एज एन एक्टर बहुत ज्यादा हेल्प किया, मतलब एक्सप्लोर करने में. तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर था अश्वत्थामा. धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया, उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, अंधा परवर पशु. ये थे आपके MSK एज अश्वत्थामा. ये जो कैरेक्टर था ना, इस कैरेक्टर को मैं उस वक्त जब मैं एक्टिंग करता था और अभी भी इस कैरेक्टर को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं अपनी लाइफ में, बिकॉज ये वो कैरेक्टर था जिसने हमें खोल के रख दिया, एकदम से खोल के. जब हम एक्टिंग करने के लिए गए थे ना तो बहुत दबे दबे से, सहमे सहमे से रहते थे, खुलते नहीं थे. ये कैरेक्टर ने पूरा खोल के रख दिया था. कैसे, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान यही मिलेगा. जब भी कोई हम कैरेक्टर प्ले करते थे तो उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती थी. अब ये जो प्ले था, इसका सिचुएशन ऐसा था कि अश्वत्थामा किसी का खून करके जंगल में भाग रहे होते हैं, और एक जगह पर वो अपने बारे में बताते कि उनके साथ हुआ क्या. तो महाभारत में जब युधिष्ठिर ने अनाउंस किया था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिताजी ये सुनकर वो सह नहीं पाए, तो उस वक्त धोखे से उनकी हत्या कर दी गई. तो युधिष्ठिर एक ऐसे कैरेक्टर थे जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, तो द्रोणाचार्य ने जब सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो उनको सही में लगा कि अश्वत्थामा मारा गया. जब भी कभी हम कैरेक्टर के बारे में प्रिपरेशन करते थे तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता था कि पूरा का पूरा डायलॉग रट्टा, फुल रट्टा, इतनी बार रट्टा, मतलब मैं जब सुबह उठता था डायलॉग प्रिपरेशन, शाम को डायलॉग, खाते वक्त डायलॉग, बाथरूम में जाऊं वहां पर भी डायलॉग, चलते रहते, क्योंकि वो बाय हार्ट होना चाहिए. उसके बाद में जो सेकेंड हमारा
प्रोसेस होता था कि वो डायलॉग्स के ऊपर इमोशन ऐड करना. थर्ड जो प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस में हमें कोई ना कोई एक एनिमल का रेफरेंस लेना होता था. तो अश्वत्थामा के लिए एक घायल शेर का रेफरेंस लिया गया था, और ये तीनों का लेयर और सब कुछ मिलाकर उस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया था. फर्स्ट टाइम जब मैंने ये अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म किया था, मेरे दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये तूने तो कुछ अलग किया है. थोड़ा सा देखें आप भी. मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगा है, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों की चीत का है पाए जिसे केवल मर्द हल से मर्द बने मेरे अस्तित्व का. ये वाला जो वीडियो है ना, मैं देख रहा था और सच बता रहा हूं, इसको देखते देखते आज भी मुझे गूज़बम्प्स आए. ये यादगार कैरेक्टर है मेरे लिए, यादगार. अभी जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा था, बिकॉज ये वाला जो कैरेक्टर है ना, इसकी उम्र 60 से 70 साल होगी और मैं उस वक्त 24 साल का हुआ करता था. तो एक 24 साल के लड़के के लिए 70 साल के बूढ़े का रोल निभाना, उसमें ना बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ी थी. अपनी आवाज भारी करना, बॉडी को एकदम लूज रखना. जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, और मैं कैसा इन्हें बात कर रहा हूँ तो एकदम हलचल बलचल मच जाती है, वैसा नहीं था. वो एकदम कैरेक्टर को बहुत लिमिटेड रखना था, उसको ऐसे आराम से. उसमें मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया था. पहले आप एक थोड़ा सा देखो, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे. अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों बाद मुगलपुरा पहुंची. ये वाले कैरेक्टर के प्रिपरेशन में भी सेम था, मतलब ये 19 मिनट का पूरा मोनोलॉग और 19 मिनट का मुझे पूरा का पूरा याद करके रखना था. ये भी याद किया. तो याद करने के बाद में जो पहला लेयर हमें ऐड करना पड़ता है इमोशन का, देन एनिमल का. गेस व्हाट, इसमें मैंने कौन से एनिमल का रेफरेंस लिया होगा. जैसे अश्वत्थामा जो कैरेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा पागल और एकदम बदला लेना, और ऐसा लगेगा कि उसके सामने जो भी आ जाए उसका कत्ल कर देगा. लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर था बहुत सीमित था, सहमा सा. सोचो इसके लिए कौन सा एनिमल का रेफरेंस लिया होगा मैंने. एलिफेंट, एक हाथी का रेफरेंस लिया गया था इसको बनाने में. तो जिस तरह से हाथी चलता है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उस रेफरेंस के थ्रू इस कैरेक्टर को बिल्ड किया गया था. सादत हसन मंटो ने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कविता लिखी है. तो उसमें एक कहानी थी सिराजुद्दीन की. ये उस वक्त की बात थी जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन का वेव जा रहा था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन का वेव आ रहा था हिंदुस्तान में. तो इस बीच में उसकी बच्ची छूट जाती है, और जब वो पहुँचता है कैंप में, वहाँ पर लोगों की हालत, लाशें, मार पीट और ये सब चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती है, और वो अपना इंटरव्यू कैमरे के सामने लोगों को देता है. चैलेंजिंग कैरेक्टर था, और मतलब मजा भी आया था, लेकिन इतने सारे डायलॉग्स को याद करने में सबसे ज्यादा मेरी फटी थी. दूसरा, इसमें जो वो टोन लेके आना, वो बॉडी लैंग्वेज रखना, ये भी चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बट भाई आपका चैंपियन कर दिया. लेकिन इसको और अच्छे से किया जा सकता था. मैं भी अश्वत्थामा देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं और अच्छा कर सकता था. और एक एक्टर की ये अच्छी बात होती है कि जब वो एक्टिंग कर लेता ना, तो उसको ऐसा लगता है कि और अच्छा कर सकता था मैं यार, और अच्छा कर सकता था. तो देखें आप MSK एज सिराजुद्दीन कैसा था, थोड़ा सा देखें. मेरे हलक से सिर्फ इतना ही निकल पाया जी, मैं इसका बाप हूं. मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा, मैं खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है. अब ये वाला जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी मेंटालिटी के बारे में. जब मैं एक्टिंग करता था उस वक्त मैं क्या सोचता था, मेरे लिए ऐसा था कि अगर कोई कैरेक्टर चैलेंजिंग है, मतलब उसको करना टफ है,
तो मैं उसी चीज को करने पे दौड़ता था। उस वक्त मैं ऐसा नहीं था कि मैं ये नहीं करूंगा भाई, ये नहीं मेरे को सूट नहीं करेगा। मेरा ऐसा था कि जो भी कैरेक्टर मुझे मिले मैं वो करूंगा, क्योंकि ना नॉर्मल अगर एक कॉलेज बॉय का रोल करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में था। एक हस्बैंड का रोल करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान जो 70 साल का है और मैं 24 साल का हूँ, और ये वाला कैरेक्टर एक किन्नर का, आज जब मैं ये देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्या, मैंने क्या किया उस वक्त। लेकिन उस वक्त मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैंने इंडस्ट्री में ना काफी सारे काम किए। मैंने एक्टिंग क्यों छोड़ी उसके पीछे एक रीजन है, मैं बता दूं आपको। मैंने ना अलग अलग चैलेंजिंग रोल किए, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए गया ना तो मुझे वैसे चैलेंजिंग रोल करने को मिले नहीं। मुझे किस तरह के काम मिले, मतलब कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा फोटो खींचा जा रहा है और मुझे 20,000 उसके मिल रहे हैं। मैं एक तमन्ना के साथ ऐड किया था, जिस हेड एंड शोल्डर का ऐड था, उसमें मैं सिर्फ ऐसा खड़ा हूं और वो ऐड के मुझे 1,00,000 रुपए मिले। मतलब वैसे रोल मेरे को यार मतलब मैंने पैसे कमाए। मेरे को ना जब तक जो चीज मैं कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आता ना, तो फिर मजा नहीं आता है। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं जो चीज करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा पूरा इंटरेस्ट जाने लगा उसमें। और फिर मेरे सामने YouTube आया, जो मैंने अपना ग्रुप बनाया था फिल्म मेकिंग वाला, वो भी बिखर गया। तो फिर इसमें आ गया मैं, तो वो चीज एकदम से चली गई। मतलब YouTube करने के बाद भी मैंने कुछ ऑडिशंस दिए थे, लेकिन फिर वो धीरे 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 वहां से वो लिंक टूटता गया। जैसे आप लोग का लिंक टूट चुका होगा, इतने दिन से व्लॉग नहीं कर रहा है, कभी कभी व्लॉग आता है तो कनेक्टिविटी लूज हो जाती है। इसी तरह से मेरी भी कनेक्टिविटी लूज हो गई थी वहां से। सबसे पहले तो आप छोटा सा एक ग्लिम्स देखिए, शर्माइए मत। ए दे दे चिकने, ए सुनो निकलो यहां से। अरे दे दे बोली करा दे चिकने, टच नहीं करने का है। मुझे नहीं रहना यहाँ। इस कैरेक्टर ने मेरे को बहुत इमोशनल बना दिया था। बेसिकली इस कैरेक्टर को करने से पहले मैंने कभी भी किसी भी किन्नर के लाइफ को इतना करीबी से नहीं देखा, लेकिन जब मैंने स्टडी किया ना उसके बाद, उन लोगों के लिए ना मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी जगह, चाहे वो कॉरपोरेट हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, वहाँ पर मैंने किसी भी किन्नर को काम करते हुए नहीं देखा। उनके पास जॉब नहीं है, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो उनकी लाइफ इतनी टफ है ना, मतलब कैसे वो कम्युनिटी अभी भी सर्वाइव करती है, उनके लिए हैट्स ऑफ है। तो लगभग मैंने 10 दिन तक पूरा रिसर्च किया कि ये किन्नर की लाइफ होती कैसी है, वो कैसे लाइफ जीते हैं, वो कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं, कितनी टफ होती है, उनके घर में कौन होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करते हैं। जब किसी पहले तो लोगों को नहीं पता होता कि वो किन्नर है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि यार वो किन्नर हैं, फिर वो उनके घर वाले कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, देन वो छोड़कर जब किन्नर कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने स्टडी किया था उस वक्त। ये रोल को करने के लिए हमें एक किन्नर ने हेल्प भी किया था, जो कि इस मूवी में है, और इनके गुरु थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था, जो मेरे एरिया में रहते हैं। 10 से 12 दिन तक मैं कभी माटुंगा वाले सिग्नल के पास, कभी अंधेरी वाली सिग्नल के पास जाके चुपचाप ऐसे बैठता था और देखते रहता, नोटिस करते रहता था कि वो लोग कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे वो लोग पैसे मांगते हैं, कैसे वो ताली बजाते हैं, एंड देन बाल अगर यहाँ से करते हैं तो कैसे वो करते हैं, एंड वो जो साड़ी यहाँ पर फंसाते हैं वो कैसे फंसाते हैं, बात कैसे करते हैं, एंड देन ऑब्जर्वेशन चलता था कुछ 10 दिन तक। ऑब्जर्वेशन में गया, ऑब्जर्वेशन होने के बाद में फिर प्रिपरेशन होता था, मैं घर पे अकेले प्रैक्टिस करता था कि कैसे चला जाए उनकी तरह, कैसे ताली मारा जाए, कैसे क्या। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद में जब वो रोल मैंने किया, और जितना पूरे टीम ने मिलके काम किया था उसके ऊपर, सबको उसका फल मिला, बिकॉज ये हमारी एक पहली फिल्म थी जो कि नासिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड जीती थी 2016 में। तो सबकी मेहनत थी इसमें, और आज भी जब मैं वो देखता हूँ ना कि मैंने यार वो एक सीन देख के मेरे को याद आ जाता है कि कितना प्रिपरेशन हमने इसके ऊपर किया था, कितना मेहनत सब लोगों ने किया था।
और बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट होता है कि यार हम मतलब इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया था। बट फिर वही हुआ कि ये मूवी के बाद में हम लोग हमारी टीम ने मिलकर कोई मूवी नहीं बनाई। उसके बाद में सब लोग अपने अपने काम में लग गए, किसी को कॉर्पोरेट में जॉब मिल गया, कोई रिलायंस में चले गया और हम अकेले रह गए। एक साल तक मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर कुछ आप एक्टिंग के बारे में और भी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही हो, कहीं बाहर तो जा भी नहीं सकते, तो बताइएगा, हम और भी बनाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप लोग यू नो कैसा फील कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे को तो अभी भी लग रहा है कहीं मैं बोर ना कर दिया हूं आपको। अभी हम बात करेंगे वो चैलेंज जो आपको कल दिया गया था उसके विनर के बारे में। मैं और सुफियान मिलके चेक कर, सुफियान तुम भी आ जाओ यार, तुम भी स्क्रीन शेयर करो हमारे साथ, आ जाओ चड्डी में तो क्या हुआ। सुफियान और मैं बैठकर क्लिप चेक कर रहे थे। मैं बता रहा हूं मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे टास्क आप लोग को रोज देने चाहिए। इतना मजा आया उसको देखने में। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे गंदी शक्ल मैंने बनाया, लेकिन मैं गलत था। मतलब गंदी शक्ल बनाने वाले हमारे एमएसकेएंस बहुत है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया। हाँ, एक बंदे का देखा ना कौन सा, बिस्मिल्लाह। ये चैलेंज में ना कुछ लोगों ने गलती की है। गलती ये की कि कुछ लोगों ने अच्छा किया है, 5 बार भी बिस्किट खाए, 8 बार खाए। हाँ, सब पकड़ा है मुंह में 8 बार भी, मतलब ऐसे बिस्किट लिया, उन लोग यहाँ पर आए फिर मुंह से निकाल दिए, उसको खाना था तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। कुछ लोगों ने ऐसे 100 के चैलेंज किया था, वो भी हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। कुछ लोगों ने उनको मिडल पे रखा था, कुछ लोगों ने यहाँ पर रखा था आग के ऊपर, तो उनको ईजी हो गया था, उनको भी हमने डिस्क्वालीफाई किया है। तो पहले जब हम चेक कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि 3 बिस्किट खाना बहुत मुश्किल है, फिर चौथा है, फिर हमें 3 बिस्किट खाने वाले लोग भी मिल गए 3-4, फिर उसके बाद में 4 मिले, हमने बोला 4 को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में एक आए सोहन, पुणे से हैं, उन्होंने बिस्किट खाए 1 मिनट के अंदर 7, पूरी 7वां बिस्किट एग्जैक्ट कट पे खाए हैं। हाँ, 7। हम हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे, हमारे से 1 मिनट में 1 बिस्किट नहीं खाया जा रहा था, इन्होंने 7 बिस्किट खाए। इनको हमने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इनके साथ हमने इंस्टाग्राम पे लाइव जाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं जा पाए, लेकिन हमने व्हाट्सएप पे इनसे बात किया वीडियो कॉल के थ्रू। देख लीजिए, सिंह है तो भी देख लीजिए फिर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना? थैंक यू। आपको हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपको मिल गए? हाँ, मिल गए, मिल गए। मतलब इससे पहले बार, एक ही बार में? इससे पहले कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया था? नहीं नहीं, एक बार में कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम मुझे ना वो 3-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा लेवल अचीव कर पाऊंगा। तुमने बहुत सही किया भाई। तो कल वाला जो वीडियो होगा वो होगा चैलेंज वीडियो, और उसमें जो जीतेगा उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। और कल वाला वीडियो भी हमारा चैलेंज वीडियो होगा, तो मस्ती फन वापस आ जाएगा। ऐसे बैठे बैठे नहीं बनाएंगे, मस्ती फन होगा। और कहाँ जाओगे? कल आना, कल आ रहा वापस से, इसी टाइम पे हम मिलेंगे आपको यहाँ पर ही, चैलेंज करते हुए, मस्ती करते हुए, फन करते हुए। बस बाकी सब बढ़िया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। डाउट है इस वीडियो में तो, मेरे को डाउट है, लेकिन आप बताना। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो इसको शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किस मुँह से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना,
करेंगे करेंगे ओ एमएस केंस कल आना थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ अ डे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़ लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम बूम